लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं और आज सदन में गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों पर हम खड़े हुए हैं। ये डिपार्टमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके लिए चार घंटे की चर्चा बहुत ही कम है, क्योंकि जब राज्य में लोग सरकार उन्हीं इलाकों को समझती है, जैसा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, तो लोग उसी के तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं और गौरव करते हैं। और हर कोई धरना, आपको मालूम होगा, या किसी डिपार्टमेंट के भी कोई समस्या हो वो डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और तहसीलदार के सामने जाके बैठते हैं या पुलिस ऑफिसर के पास। तो गवर्नेंस इज एक्चुअली डन बाय ओनली टू डिपार्टमेंट्स इन द स्टेट एंड पीपल दे सी देयर ग्रीवेंसेस विल बी रिड्रेस्ड देयर ओनली। लाइक दैट इन ऑल इंडिया लेवल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहां पर भी तीन डिपार्टमेंट को बड़ा महत्व से देखा जाता है। एक गृह सचिव का मंत्रालय, दूसरा डिफेंस मिनिस्ट्री, तीसरा फाइनेंस मिनिस्ट्री। ये तीन बड़े महत्व के डिपार्टमेंट और इलाके होते हैं, लेकिन इसको क्यों कम ध्यान दिया जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। आज ही डिफेंस हो गया, शुरू भी हो गया और खत्म भी हो गया। अरे मैं यहीं बैठा हूं भाई, दो घंटा डिफेंस के बारे में मालूम है भाई, मालूम है मैं कहां गया था। मैं तो आपको लेके ही चलता हूं, लेके ही आता हूं। तो आप और आज होम डिपार्टमेंट, सर अगर होम डिपार्टमेंट का रिप्लाई अगर आप मंडे करें तो अच्छा है, क्योंकि नहीं बोलने वाले बोलते हैं, मंडे आप ठीक ढंग से भी बोल सकते हैं, हम भी पूछते हैं। अब आज फ्राइडे रहने की वजह से आपको तो मालूम है लास्ट मिनट में बहुत से लोग चले जाते हैं, कुछ उनके पूछताछ भी जो करते हैं वो नहीं होता। अगर आप यूपी को जा रहे हैं एज ए चीफ मिनिस्टर बोल के, मैं अभी बोलता हूं, अगर आप यूपी को जा रहे हैं मंडे का दिन रिप्लाई नहीं हो सकता तो ये आपके ऊपर छोड़ता हूं। लेकिन मीडिया का काम खड़गे जी ने कब से करना शुरू कर दिया? अरे जब से आपने बोला तब से कर रहा हूं। नहीं 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 नहीं, जब मीडिया के लोग नहीं कर पाए खड़गे जी कर रहे हैं। नहीं 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 भाई, अरे ठाकुर जी, ठाकुर जी जो आपने मुझे बताया वही बोल रहा हूं मैं। तो इसीलिए तो सर ये इसीलिए ये तीन बड़े महत्व के डिपार्टमेंट है, इसको हमेशा कम से कम एक एक दिन की चर्चा होना चाहिए। और हर देश की एक तरफ रक्षा और दूसरे तरफ अर्थव्यवस्था, तीसरे तरफ लॉ एंड ऑर्डर, और हर राज्य में स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशन फेडरल सिस्टम में डायरेक्टली आपके साथ होते हैं, चाहे वो तमिलनाडु का हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे हर स्टेट का आदमी और हर स्टेट का गवर्नर आपसे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो जो भी समस्याएं हैं आप ही हल कर सकते हैं, इसीलिए ये मेरी विनंती थी। लेकिन इस विनंती को लोकतंत्र में मान्यता मिलती है, लेकिन यहां पर तो सब बुलडोजिंग है, आप कुछ भी कहो उसको मानने का नहीं, आप कहो हम सुनते रहेंगे और उसको नकारते रहेंगे। ये उनकी आदत बन गई है, लेकिन कम से कम राजनाथ सिंह जी तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है, अगर वो करते हैं ठीक है, लेकिन कम से कम आप इसमें
इंटरेस्ट लेके हम सबकी हिफाजत भी करना, लोकतंत्र की हिफाजत करना, संविधान की रक्षा करना और सब लोगों का देखभाल भी आपको करना है। तो अध्यक्ष महोदय, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट होते हुए इसको बजट में सबसे कम पैसा रखा गया। आप मुझे मालूम है आंकड़े देते हैं, लेकिन आप परसेंटेज के हिसाब से बात करेंगे तब आपको सच्ची कहानी इसमें मिल जाएगी या सच्ची बात आपको मालूम हो जाएगी। हमेशा अब मैं उदाहरण के तौर पर कहता हूं, इस बजट में इंटरनल सिक्योरिटी, डिसास्टर मैनेजमेंट ऐसे जो महत्वपूर्ण हेड्स हैं, इसमें 16-17 में तो कम खर्चा हुआ और 17-18 के बजट में भी फंड्स कम रखे गए। इससे ये साबित होता है कि बहुत से फंड्स को यूज करने में या तो सरकार विफल हुई है और जो महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट के लिए जो महत्वपूर्ण ये है अंग है, उन संस्थाओं को फंड दिलाने में या फाइनेंस डिपार्टमेंट कंजूसी कर रही है या नहीं, आपका दंडा आप नहीं चला रहे, क्योंकि आप सीनियर मोस्ट नंबर टू क्या इस कैबिनेट में है। आपका बात तो सबसे पहले चलना चाहिए, आप जितने मांगते हैं उतना देना चाहिए। मैं चाहता हूं नंबर वन पे आए, लेकिन वो हारे नहीं, क्योंकि सब चीज मोदी सरकार बोलते, कम से कम वो बीजेपी सरकार बोलते तो नंबर वन पे आते थे, तो ये ठीक है। लेकिन इसको फाइनेंस डिपार्टमेंट से बहुत कम मदद मिल रही है और ये अच्छा नहीं है। खासकर अब नक्सलवाद आप देखिए, ये तो उग्रवाद तो बढ़ रहा है, आप सभी को मालूम है, बीच में कम होता है फिर उभरता है फिर कम होता है फिर और नई नई घटनाएं घटती रहती है। तो मैं आपके सामने आंकड़े रखूंगा कि ये जो माओवाद के 15-16 के मुकाबले में 15 में कितने थे और 16 में कितने हो गए। सिविलियंस किल्ड 2015 171 और 2016 में 213, तो बढ़ गए घट गए। सिक्योरिटी फोर्सेस किल्ड 2015 59, 2016 में 65, नंबर ऑफ एनकाउंटर्स विद पुलिस 2015, अरे आपकी हुकूमत में ही लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं मैं, डॉक्टर साहब ये चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट नहीं है, ये तो अडल्ट का है, इधर बैठिए। तो नंबर ऑफ एनकाउंटर्स विद पुलिस 247 और 2016 में 328, तो बढ़ गए घट गए आप देखिए। तो ये तो आंकड़े जो आपने प्रोवाइड किया था उस आंकड़े के आधार पर हम बोल रहे हैं, हम आपको नीचे दिखाने के लिए या आपकी कमजोरी निकालने के लिए नहीं, जो आंकड़े हमको दिए थे उन आंकड़ों को हम आपके सामने रख रहे हैं और देश के सामने रख रहे हैं। इसके अलावा इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान 2010-11 में तो शुरू हुई थी, फिर इसके बाद में इसको पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मजबूत करने के ध्यान में रखकर इसमें 2015-16 में इसमें कम से कम 1,64,859 प्रोजेक्ट्स लिए थे और उसमें कंप्लीट आपने जो किया था 1,00,000, यानी ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, 1,39,729 प्रोजेक्ट्स ये पूरे कर सके, लेकिन अब इसको बंद किया गया है, इसको स्टॉप किया गया है। इसकी क्या वजह है मुझे समझ में नहीं आ रहा। सिक्योरिटी फोर्सेस के इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाना चाहिए,
और जहां कहीं भी सहूलतें देना है वहां पर देना चाहिए, क्योंकि पुलिस आपकी सीआरएफ हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, ये इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मिलिट्री है। हम बहुत से लोग इसको इन डिपार्टमेंट को कम समझते हैं और बीएसएफ के जवानों को कम समझते हैं, लेकिन वो भी उतनी ही कुर्बानी देते हैं जितना एक जवान बॉर्डर के ऊपर देता है। तो इसीलिए इधर ध्यान देना जरूरी था, लेकिन इसमें भी आप कमजोरी दिखाए। मैं और एक आंकड़े आपको देना चाहता हूं, तो सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर पर 2015 और 16 में 869 खर्च हुआ, रिवाइज एस्टीमेट इसमें 1390 करोड़ हुआ, लेकिन इस वक्त 17-18 में इसको 1390 रखना चाहिए था, क्योंकि आप रिवाइज एस्टीमेट में उतना खर्च किए, इस वक्त भी उतनी ही पैसे की जरूरत थी, लेकिन आपने उसको घटाकर 1222 करा, यानी 12% माइनस। क्यों? क्या अब नक्सलाइट ठहर गए? क्या ये एक्सट्रीमिस्ट रुक गया? क्या टेररिस्ट एक्टिविटीज बंद हो गए? मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों घटा रहे। मुझे मालूम है, जैसा कि जेटली जी ने कहा कि हमारी जो रेवेन्यू रहती है उसके तहत हमको एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन चंद चीजें इतनी जरूरी होती है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, जैसा कि डिफेंस है, जैसा कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए होम है, ये हेल्थ है, एजुकेशन है, ये प्रायोरिटीज है। तो इसीलिए रूरल डेवलपमेंट भी है, सभी है, लेकिन उसमें पहले देश की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए देखना। लॉ एंड ऑर्डर रहेगा अच्छा है, कारखाने अच्छे रहते हैं, झगड़े कम होते हैं, जब शांतता रहती है, वातावरण शांत रहता है, सभी कुछ ठीक चलता है। आप दूसरे किसी और चीज को भी कितना भी दिए कुछ होने वाला नहीं है, ये एक तरफ। दूसरी तरफ ये मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस, इसको भी हर साल पैसे घटाते जा रहे हैं। पहले एक स्कीम अडवाणी जी के टाइम पे एक था, वो फूड फॉर वर्क, उसको जोड़ के बहुत से स्टेट को पैसा दिया जाता था मॉडर्नाइजेशन स्कीम में। अब ये पुलिस स्टेशन बने जाते थे, एसपी ऑफिस को भी पैसा दिया जाता था, व्हीकल को पैसा दिया जाता था, इक्विपमेंट्स को दिया जाता था, लेकिन वो बंद करके आपने उसको ये जो स्टेट के पुलिस को कमजोर कर दिए, क्योंकि पुलिस स्टेट की पुलिस भी आज सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर नहीं देखती, उसको इतने काम हो गए हैं, हर सेंट्रल एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन भी देखता है, वहां पर नक्सलाइट एक्टिविटीज हो गए तो देखता है, टेररिस्ट एक्टिविटीज देखता है, रेलवे एक्सीडेंट हुआ तो वहां पर जाना पड़ता है, तो इतना सब कुछ स्टेट वालों को भी करना पड़ता है। लेकिन वहां पर अब मैं 17-18 में इसको आप 800 करोड़ रखे हैं, पहले 845 करोड़ था, उसको घटाकर आप 800 करोड़, उसमें भी -5%, यानी हर चीज में अगर माइनस माइनस है तो ये क्यों हो रहा? क्या आपकी और फाइनेंस डिपार्टमेंट में नहीं जम रही? क्या आपको ये आपके डिपार्टमेंट को विफल करने के लिए ऐसा कुछ साजिश चल रहा है? इसके लिए सोचना चाहिए। ये नहीं, ये तो माइनस, मैं उनके ही आंकड़े दिला रहा हूं, और उन्होंने जो आंकड़े दिए हैं वही यहां पर मैं प्रस्तापित कर रहा हूं। उसके अलावा 2016-17 में प्रोफेशनल सर्विसेस मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनेशन, रिसर्च आईटी जैसे हेड्स में बजट का पैसा ही खर्च नहीं हुआ। खरगे जी, पूछ लीजिए खरगे, सी एस यू आर हाईलाइटिंग, फर्स्ट डिफेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, या द कंट्रीज सिक्योरिटी, देन लॉ एंड ऑर्डर इज द अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। दोज किंग्स ओन दोज डेज रूल दिस कंट्री, लॉ एंड ऑर्डर गिवन मोर इंपॉर्टेंट, वी आर द रूलर्स नाउ, वी हैव टू अलोकेट मोर फंड्स
his ministry, home ministry, then only we can see land order. That is very important. Whatever rural development said, then we can do it. Then many, a man is able to, after death, what is the rural development they are going to do? You have to protect the citizens' life and belonging. That's home ministry must be given more important next to defense. No. Home ministry must be given more important, more allocation. No. Then they can give the state government modernizing the police also. No. That's why I'm telling, if law and order is good, everything is good. Initially I told. And if you keep peace, all industries will run. Industries will also close. No taxes, nothing. No income, no salary. They have also to close. Therefore, I am insisting he should assert, he should get more money. And for his wife. The whole house will support then for him. Yeah. Get all money for home ministry. देखो आप उत्तर प्रदेश आपकी हालत पहले क्या थी मालूम है हमको ये आपकी बेहाल थी अब थोड़ी हालत ठीक हो गई है जरा पचा ले हो थोड़ा पचा ले हो एकदम ज्यादा खाने को मत जाओ पचा लो सर 2016-17 में प्रोफेशनल सर्विसेज मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म्स एंड एम्युनिशन रिसर्च आईटी जैसे हेड्स में बजट का पैसा खर्च नहीं हुआ 16-17 में इसको कौन जिम्मेदार है क्यों ऐसा हुआ एक तरफ पैसे नहीं है दूसरा तरफ पैसे दिए हैं वो खर्च नहीं कर रहे और तीसरी चीज नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड जैसे संवेदनशील संगठन के लिए 16-17 में 45 करोड़ रुपए दिए थे उसमें सिर्फ आप 18 करोड़ खर्च करें ओनली 18 क्रोर्स आउट ऑफ 45 क्रोर्स वन साइड यू से दैट नो मनी बिकॉज वी आर ऑल्सो सीइंग बट अदर साइड वेर एवर मनी इज गिवन दैट इज नॉट प्रॉपरली यूटिलाइज एंड दे आर सरेंडरिंग इट इवन आसाम राइफल बीएसएफ आईटीबीपी और एसपीजी के हालत तो ऐसी है वहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी खर्च नहीं किया गया और बोलते हैं वहां पर जवानों को वो देना वहां पर इनको ये देना अरे दिए सो करो भाई पहले जो दिए हैं उसको खर्च कर कीजिए लेकिन वहां पर भी एक्सपेंडिचर नहीं हुआ और एक इम्पॉर्टेंट इंडो पाक बॉर्डर 16-17 में 120 करोड़ रुपए रखे थे सिर्फ ये खर्च हुआ उसमें से खर्च हुआ 120 करोड़ में खर्च हुआ 50 करोड़ सर आपके डिपार्टमेंट में आपके होते हुए अगर 120 करोड़ में 50 करोड़ खर्च होता है तो उसकी वजह क्या है क्यों रिव्यू नहीं किए कौन जिम्मेदार है टेक एक्शन अगर उसमें कुछ दिक्कतें हैं यू सॉल्व इट उसके बजाय जो दिया हुआ पैसा है एक तरफ खर्च नहीं कर रहे और इस साल आप कितना रखे हैं 100 करोड़ रखे हैं तो पहले 120 था इस साल 100 करोड़ पहले उसमें 50 करोड़ खर्च करे अब आप कितने करने वाले हैं मुझे मालूम नहीं अब कोस्टल सिक्योरिटी इसमें भी 2016-17 में 710 करोड़ अलोकेशन हुआ था लेकिन खर्च हुआ 20 करोड़ ये आंकड़े आपके ही है तो ये जो है इस ढंग से अगर हम काम करते गए तो सुधार कैसा होगा और इसके जिम्मेदार कौन है इसी ढंग से इवन नेटवर्क मॉडर्नाइजेशन पिछले साल 35 करोड़ दिए थे उसमें 22 करोड़ खर्च हो गए तो एक नहीं ऐसे मैं कई उदाहरण दे सकता हूं और मेरे पास ये सारे आंकड़े भी है और अब टेररिज्म ये आतंकवाद तो बढ़ रहा है उसके लिए तो इस सदन में बहुत से बार यहां पर हमने बात भी की है और आप भी उसको उत्तर दिए लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं
जो पठानकोट का हमला होने के बाद आपने एक कमेटी बिठाई थी, फिलिप कंपोज कमेटी, उसका रिपोर्ट आया है, लेकिन रिपोर्ट मई 2016 में आया। क्या है उस रिपोर्ट में, क्या क्या चीजें हैं, क्या सलाह उन्होंने दिया है और क्या इम्प्रूवमेंट आपने उस रिपोर्ट के आधार पर किया है, ये जरूर बताना होगा। नहीं तो कमेटी बना के उसका फायदा क्या है, उसका कोई फायदा नहीं। इफ यू कॉन्स्टिट्यूट द कमेटी, कमेटी गिव्स द रिपोर्ट एंड यू डोंट डिस्क्लोज इट वन ईयर, नियरली 10 मंथ्स, दिस इज हाउ द वर्किंग सिस्टम। एंड दिस इज दूसरे तरफ अब सीज टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन, सीज फायर, इसका भी अगर आप आंकड़े ले तो 14-15 के मुकाबले में 16-17 में बढ़े हुए। अब उदाहरण के तौर पर नंबर ऑफ इंसिडेंट्स 2015 में 208, 2016 में 322, सिविलियंस किल्ड 15 में 17, अब 15, सिक्योरिटी फोर्सेस किल्ड 15 में 39, अब 82, टेररिस्ट किल्ड 108, नाउ 150, इन्फिल्ट्रेशन 33, नाउ 2016 112, एक्सेप्ट टू आइटम्स, रेस्ट इंक्रीज्ड। तो इसीलिए इसको अगर गंभीरता से सरकार नहीं लेगी तो निश्चित रूप से इसका बुरा असर देश पे गिरेगा और देश में आज जो लोगों के पास उग्रवाद भी बढ़ेगा और लॉ एंड ऑर्डर भी डिस्टर्ब हो जाएगी, हर चीज यहां पर डिसऑर्डर हो जाएगी। उसी ढंग से जम्मू और कश्मीर में भी आर्मी बीएसएफ, इसकी जो कंपैरेटिव अगर हम स्टेटमेंट देखेंगे 15 और 16 के हिसाब से ये भी बढ़ गया है। इसमें पहले 17 था आर्मी, अब 74 लोग मर गए। बीएसएफ में 9, 15 में तो 16 में 25। तो ये सारे आंकड़े ये दिखाते हैं कि ये बढ़ रहा है और ये ऐसे अगर बढ़ते रहा अच्छे दिन लाएंगे, यही क्या अच्छे दिन। अरे और सभी को ये कह रहे हैं कि हम बहुत कुछ काम किए और हमारी सरकार बहुत अच्छी है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। अब कहाँ है भैया, कहाँ गया तुम्हारा मैक्सिमम गवर्नेंस? ये आंकड़े के साथ बोल रहा हूं मैं। और दूसरी अब महिलाओं के प्रति, गवर्नर, हाँ, अब महिलाओं के प्रति आपने तो ये सभी मिलके निर्भय फंड तैयार किया, जो ये स्त्रियों पर, वुमेन्स के ऊपर बहुत से जो क्राइम्स बढ़ रहे थे और हो रहे थे, खासकर दिल्ली में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, लाइक बेंगलोर हो, कलकत्ता हो, या दिल्ली हो, या दूसरे जगह, तो उस वक्त आपने फंड रखा 2016-17 के कैपिटल आउटले में 71 करोड़ रुपए आप रखे और रिवाइज्ड एस्टीमेट में 16-17 में उसको घटाकर 13 करोड़ कर दिए, तो 17-18 में अब 23 करोड़ रखे। तो पहले तो दिखाने के लिए 71 करोड़, उसके बाद में आपने खर्च किया 13 करोड़ और आज रखे 23 करोड़। ये क्या महिला के प्रति और क्राइम स्टॉप करने के लिए ये स्टेप्स ठीक है? ये चीजें जो आप कर रहे हैं और इससे कैसा आप रोक पाएंगे क्राइम्स को और कैसा ये निर्भय फंड को, जिन लोगों को इसका फायदा पहुंचाना है, कैसा पहुंचाएंगे? अगर आप ये घटाते रहेंगे तो ये इम्पॉसिबल है। और इसके बावजूद भी वो हमारे तरफ ये कहते हैं करड़ी में है, वो उसका तर्जुमा अगर करे तो वो रस्सी जल गई लेकिन उसका बल नहीं गया।
हाँ नहीं गया, ऐसा है हालत आप, हर चीज में फेल्यूअर, लेकिन बोलते हैं आइटम वैसा, ये इस ढंग से चल रहा है सरकार। और सब कुछ अचीवमेंट नहीं है, कोई अचीवमेंट नहीं है, यानी जो वो चाहते थे, वो जो कहते थे उसके मुताबिक तो नहीं है। फिर भी हम कुछ कम नहीं है, हमने ये किया। और जो भी बोलते हैं जरा जोर से बोलते हैं, इसीलिए वो अब बीच में आपको मालूम है, जब सत्य बात लोग हमारे कहते हैं इधर के, तो एकदम खड़े होके वो कहते हैं ये झूठ है, ये झूठ है। ओके देन आई हैव टू फिनिश फ्यू। तो ये आंकड़ों के साथ मैं आपको बता रहा हूं, उसी ढंग से ये एससी एसटी का अट्रोसिटीज भी बढ़ रहे हैं, और ये आज ही बढ़ रहे हैं, या आज ही उनके ऊपर अत्याचार हो रहा, ये नहीं कह रहा हूं। इस देश में हमेशा उनके ऊपर अत्याचार होते ही है, होते ही रह रहा है। उसको कम करने के लिए क्या कर सकते आप? अगर मैं आपको आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं विनंती के रूप में कहना चाहता हूं, और एक वार्निंग के रूप में भी कहना चाहता हूं, अगर आपको इस देश में फिर आप लोगों के ऊपर चतुर्वर्ण का, सनातन धर्म का तत्वों को अगर थोप देंगे, सो इस देश में और ऐसा ही अस्पृश्यता बढ़ेगी, बढ़ते ही रहेगी, और लोग दब के वैसा ही बैठेंगे। ये इसको कोई ना कोई इसका इलाज होना चाहिए। हाँ बोले करके अरे डिमांड में ही तो बोला आपने क्या क्या किया, बोल के नहीं सुने शायद आप, जरा उनको माइक्रोफोन दे दो। तो ये तो हमारे देश में जो एक दलित पर जो अन्याय हो रहा है इसको रोकना चाहिए, और जब तक इस देश से अनटचेबिलिटी नहीं जाती तब तक देश नहीं, समाज एक नहीं होगा, और देश के एकता को भी बड़ा धक्का होगा, ये मैं आपको कह रहा हूं। इसीलिए कह रहा हूं कि ये हमको तो एकजुट रखना है समाज को। जब एकजुट रखना है तो हम सबका कर्तव्य होता है कि पहले हमारे में जो बुराइयां हैं उसको निकालने की कोशिश करनी चाहिए, और जो बुराइयों के खिलाफ लड़ने की ताकत अगर कोई नहीं रखता तो निश्चित रूप से वो फेल हो जाता है। तो इसीलिए इसका भी मैं जिक्र करना चाहता था। और दूसरी चीज, हमारा देश हमेशा डेमोक्रेसी, सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म पे विश्वास रखता है, और हमारा संविधान भी इस पे एक हमको आदेश देता है कि इन चीजों की हिफाजत इस देश में हो, तभी देश सुख और शांति के तरफ चलता है। तो ये आज ये चीजें भी नहीं हो, इसको यहां पर इसको डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म को तो तिलांजलि दी जा रही है। अब परसों क्या हुआ इसमें, परसों जब गोवा और मेघालय जब चुनाव हो गए, मणिपुर और गोवा में जब चुनाव हुए, उस वक्त आपने क्या किया? आपने, आपको तो वहां पर मेजॉरिटी नहीं थी, आप एक यूपी में तो भारी बहुमत से आप आए थे, पहले वो तो पचा लो भाई, वो छोड़कर जिस जगह आपको लोगों ने बहुमत नहीं दिया वहां पर नकार दिया, उस जगह जाकर तोड़ मोड़ के रातों रात जाकर सरकार करने की कोशिश कर रहे। और मैं ये दावे के साथ कहना चाहता हूं, आपके गवर्नर ने यह कहा है कि परिकर ने आकर शाम में लिस्ट दिए हैं, और उन्होंने जो लिस्ट दिया है उसमें सब पार्टी के हैं,
और उनके पार्टी के लोग केवल 13 हैं। मैं क्या करना चाहिए? तब उन्होंने ये कहा परिकर किसी को, आपने तो लिस्ट दिया है, लेकिन मैं जेटली साहब से पूछूंगी, मैं जेटली साहब से पूछ के ये तय करेंगी। और मैं जेटली साहब को फोन की 9:30 को और 9:30 को सर, अरे ऑनरेबल गवर्नर्स कंडक्ट कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन द ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू रिस्ट्रेन द ऑनरेबल मेंबर मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ही इज ए सीनियर लीडर, एक्सपीरियंस्ड लीडर। नो नो नो, हाउ कैन यू डिस्कस दैट? नो नो, हाउ कैन यू डिस्कस दैट? Without mentioning governor, you can say whatever you want. No, no, no. Without mentioning governor, let him say whatever. It was in the news. Without mentioning governor, governor's name. This is not parliamentary. This is as per parliament and as reported even newspapers, as reported a letter also written by the governor to Parikar on 12th. The results were announced on 11th, 7 p.m. But the letter was given 2 o'clock. Please, 1 minute, one please. See, you raised this matter 2 days back when our speaker, no, you raised that issue. What speaker gave the ruling? In this house, we cannot discuss about the conduct of the governor, the functioning of the governor. That she made the ruling. Therefore, according to that, you can speak. That cannot be said. Based on the urgent motion she mentioned, that is a record is there. When Khadgeji gave the adjournment motion, she gave the ruling. So whatever he has spoken that, on this issue, conduct of the governor cannot be discussed here. That is the ruling. See, whatever thing that cannot be discussed in the house, that is all. Please. I understood what you raised. Please, I question. Ministry, already the ruling is there. I cannot go beyond that. When the given speaker has given the ruling, we have to go according to the ruling of the speaker. Many things may come the newspaper, that is, we cannot take here that those things. That means discussion on the governor's conduct, that is. I want to bring to your kind notice, the adjournment motion was given. Yeah. It was not admitted. It was totally rejected. No, when the giving no, the no, reasons one minute, why one they minute. Not admitted, she no, gave no, this ruling. One minute. I was there at that one time. Minute. Neither she allowed us to raise it, nor she heard. So motto, she said it is not allowed. One thing. Here I am referring. In the Home Department, which is connected, and we are voting. The conduct of the governor cannot be voting. The governor, in whatever discussion, the honourable member raises the issue and discusses the conduct of the honourable governor. It is not acceptable. It is out of procedure. Khadgeji sahab, you can't do it. Without mentioning governor, you tell. Without mentioning governor, you cannot do it. You want to say that happened? No, there is a way to tell. Whatever you want to convey, there is a. You are an experienced man. We can put the. No, I am. Sir, without mentioning governor, you can say. No, one thing. I never took the name of governor. Yeah. I never told no, what he said. The I said the governor means that didn't happen. Yeah. Sir, one minute. I am also submitting a letter
So you take this, sir. On the table of the house you can take. No. What is this then? So you are accepting, you are not accepting the facts. You are not. Honorable Chair, you are experiencing Tamil Nadu also. Are you encouraging this type of thing? Deputy Speaker, sir, it is not the issue. It is not the issue. The Honorable Leader of the Congress Party is authenticating a letter or not authenticating the letter, sir. It is only the matter that whether the Governor's conduct can be discussed and debated on the floor of the House. He cannot. And he is saying that we are not discussing under adjournment motion. He is not discussing under the demand for grants. He cannot discuss in the House at all, sir. And secondly, the Honorable Governor of any state speak to the Finance Minister, there is no wrong in that, sir. Sir, Honorable, in a parliamentary association, the conduct of the Governor should not discuss in the House. Whether the Governor can court, she had been talked with the Central Minister for inviting such and such a person. Are you admitting that? Sir. This is a television interview. This is a television interview given by Honorable Governor. Venugopalji is misleading the House. The Honorable Governor can definitely have a conversation with the Finance Minister. And what conversation they had regarding the state of Goa is up to them, sir. The question is that the conduct of the Governor cannot be debated on the floor of the House. That Governor's conduct should not be discussed. I am admitting. But I have another question. Whether the Governor has the right to say to the media that I am conducted to Honorable Finance Minister and he told me that expedient, do it firstly. No. That is what the television interview. Please, highly undemocratic. No. How can you justify this? No. This is a demand of no, no, no. This is a demand of no, no, please, please, please. This is a demand of Home Ministry, sir. No, please. Venugopal, sir, no, I will give one order. Minute, I will minute, say, sir. I will give sir, a ruling. Sir, whatever, already, please. Sir, where we discuss these things? In Home Department, please. No. There is a, even if you want to discuss about the conduct of the government, there is a procedure is there. That can be that way we can discuss, not like that straight away. There is a procedure. Anything for impeachment like that, there are so many procedures. If you want to conduct, discuss about that, you do that. Give the notice. We are discussing demand of grants on the Home Ministry. As per the conduct of rules or procedures, listen, where it is written categorically that the relevant issues should be discussed. Are we discussing 1 minute here? I know that you are a learned person. I am little bit. Can we, in the demands of grant, discuss the conduct of Governor or a television interview given by somebody to somebody? Listen, Venugopalji, when I am on leg, please. So can we discuss? I want your ruling on this. Sir, already gave the ruling. No, I want your ruling on categorical. Then why this fight? Already I gave the ruling. The conduct of government cannot be discussed in the House. No. Anything if you want to discuss, there is another procedure. Let them procedure follow that, I can say. That is all my ruling. Please. I am not discussing the conduct of Governor. I am discussing here what Constitution says and what she replied to Finance Minister and what Finance Minister said to her. That I have quoted. I am not passing any aspirations, motivation. I am telling this has appeared and everybody knows this. It means that the interference from the Home Department is there.
That is my charge. Yeah. It is not a demand. It is a question of administration. To do better administration, I am giving funds. This house is sanctioning. हम पैसे दे रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूछेंगे तो अकाउंटेबिलिटी पूछेंगे तो ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए हम कह रहे हैं आपके आपको पैसा दे रहे हैं हम इसके बावजूद आपके लोग क्या कर रहे हैं हालांकि एक पर एक पुंची कमेटी उसके बाद सरकारिया कमीशन ऐसे कमीशन के जो और नरीमन जैसे लोग आर्टिकल लिखे हैं ऐसे लोगों का भी अगर आप नहीं सुनते हैं तो किसका सुनते हो प्रेसिडेंसी और वाजपेयी जी का प्रेसिडेंट है प्राइम मिनिस्टर वाले के और कितने हो ना आपको लेकिन इतना क्यों आतुर है इल्लीगल करने के लिए जो तोड़ मोड़ के करने के लिए आप क्यों इतना अरे भाई जो मिला है वो तो पहले सुरक्षित रख लो अब उत्तराखंड मिला आपको यूपी मिला वहां के चीफ मिनिस्टर बनाने को आपको देरी कर रहे हैं वहां पर हियर ओनली 12 आवर्स ओनली 12 आवर्स 7 PM अनाउंस्ड एंड 2 o'clock लेटर वॉज गिवन हाउ कैन यू गिव सर आई बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सी टू सेफ गार्ड द डेमोक्रेसी इट इज ऑल्सो द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होम डिपार्टमेंट To safeguard secular principles, it is the responsibility of the Home Department. And it is safeguard the interest of the Dalits is his responsibility. I can't go and beg somewhere. I am begging here, in this house. Arey demand. Demand me. Demand me kya re? Sir. No, no. What? अरे सब बोले ना उसको पढ़िए ना वही बोले बोले ना आप नहीं अरे आप अगर आप देर से आए नहीं सुने मैं नहीं बोला बीएसएफ को कितना दिए मॉडर्नाइजेशन को कितना दिए अपने कौन से हाँ तो अरे आप हमेशा गलत समझ लेते हैं मैं क्या करूं तो लेकिन सर The letter is like this. I, Mridula Sinha, Governor of Goa, hereby appoint Sri Manohar Parrikar as the Chief Minister of the State of Goa. Yeah. He will assume office from the date he is administered the oath of office of secrecy. Of Goa How can the they can incumbent do? Chief Minister and the letter written and authenticating that letter, all these things should be expunged you. Already said the How can this is related to Home Department. Say he is our guardian. He is a guardian of the democracy. He has to safeguard it. What is this? It is a he can respond afterwards, but you can't expunge sir like that. Then we need not speak anything. Then what is this? Sir, there were 4 preferences. One is The first is the group of parties which had pre-poll alliance commanding the largest number. One option. The larger single party staking a claim to form the government with support of others. Third, a post-electoral coalition with all partners joining the government. The fourth is a post-electoral alliance with some parties joining the government and the remaining including the independent supporting the government from outside to ye jo cheeze hain isme ek mein bhi wo aate nahi all right no nahi aate lekin iske bawajood unko wahan invite kiya gaya aur jod tod ke woh ministry banane ke liye unko kaha gaya aur yahan tak kaha gaya ki raato raat is a point of order ek minute sir ऑनरेबल लीडर ऑफ लोकसभा खड़गे जी बहुत अनुभवी है बहुत एक्सपीरियंस्ड है और 8 बार वहां विधानसभा में रह चुके हैं 9 बार रह चुके हैं करेक्शन 9 बार रह चुके हैं उनको कर्नाटक वापस जाने के लिए मौका नहीं मिला इसलिए हमारे ऊपर बरस रहे हैं सर इफ यू सी रूल नंबर 352
352 subsection 5, sir, reflect upon the conduct of persons in high authority unless the discussion is based on a substantive motion drawn in proper terms. Sir, we are having a discussion on the demand for grants for the Ministry of Home. And Kharge ji started, of course, with wrong numbers being dialed and spoken in this August House about various items in the demands for grants. But that's okay. But I don't understand, sir, how come he has started his debate, discussion on the conduct of the Honorable Governor of Goa, Manipur and other states, sir. You have been continuously reminding him. You have been continuously reminding him that the Honorable Speaker's ruling is there while he tried to move the adjournment motion on this issue. And you also gave twice your own ruling that he cannot discuss. And you also very clearly gave a ruling that whatever he has spoken on this issue should not be on the record of the House. Despite that, he is continuously repeating the same thing, sir. Through your kind self, I urge the Honorable Leader of the Opposition to restrain himself and continue and conclude his speech on the demand for grants, sir. He has taken more time. I will take care of that. More than his party's time, sir. He started rightly, but... I will take care of that. The Parliamentary Affairs Minister was just mentioning 352.5, in which it is mentioned that people in high authority cannot be discussed excepting by a properly worded and framed motion. That is all right, we all know that. But you please read the Ministry of Home Affairs demand number 47, B, Development Heads, General Services, President, Vice President, stroke Governor, Administrator of Union Territories, for which certain money is allocated. Now, governance is in the Ministry of Home Affairs demand number 47, Cabinet. So how come you say that governor cannot be discussed? He is not discussing, but governor can be discussed. You read this demand. They can definitely discuss about the expenditure part of the honorable government. If you discuss expenditure, you can discuss behavior also. That means the governor should not misuse the fund which is given by the parliament. The governor is misusing. The governor should not misuse the fund which are given by the parliament. The governor is misusing. That is why we are raising this issue. Sir, I am not criticizing governor or conduct. Simply I am pointing out how the central government is misusing its power on the states. We are living in federal structure, government. So they should respect the constitution and always... मोदी जी हमेशा कहते हैं और हमेशा डॉक्टर अंबेडकर जी को कोट करते हैं. कल भी उनके पार्टी मीटिंग में डॉक्टर अंबेडकर जी को कोट किए और कहे आज पढ़े नहीं पेपर, आप पढ़ते नहीं? हाँ, अरे पेपर पढ़ने का देखना भी, हमेशा पेपर पढ़ना, टीवी देखना, दूसरे लोग को क्रिटिसाइज करते वो भी देखना, मोदी जी क्या कहते वो भी देखना, हमारा भी सुनना. तो इसीलिए और इसमें सर हमेशा मोदी जी ये कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जी एक संविधान इस देश को ऐसा दिया है जिसको उन्होंने दिए, उस संविधान के तहत हम डेमोक्रेसी को रक्षा करेंगे, डेमोक्रेसी का सेक्युलरिज्म जो भी उसूल है उन सारी तत्वों को हम अपनाएंगे, उनका कहना है. लेकिन
यहां कर रहे हैं क्या? यहां तो डेमोक्रेसी का मर्डर हो रहा तो यहां दोनों स्टेट में तो आपको डेमोक्रेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट ही नहीं है, लेकिन आप लोगों के ऊपर थोप रहे हैं, डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने ये कहा था और आप भी पढ़े होंगे, देयर इज ओनली 3 बीजेपी मिनिस्टर्स, रेस्ट ऑफ द 9 फ्रॉम अदर पार्टीज इंडिविजुअल्स। मनोहर पर्रिकर इज लीडिंग ए गवर्नमेंट विद ओनली 3 मिनिस्टर्स। करके जी पॉइंट अप प्लीज सर। नो प्लीज करके जी यू स्पीक बिकॉज आई कैन नॉट अलाउ टू गो ऑन डिस्कस प्लीज। ओके यू स्पीक कंटिन्यू सर। डॉक्टर अंबेडकर से इट इज क्वाइट पॉसिबल इन ए कंट्री लाइक इंडिया वेयर डेमोक्रेसी फ्रॉम इट्स लॉन्ग डिसयूज मस्ट बी रिगार्डेड एज समथिंग क्वाइट न्यू। देर इज अ डेंजर ऑफ डेमोक्रेसी गिविंग प्लेस टू डिक्टेटरशिप। इट इज क्वाइट पॉसिबल फॉर दिस न्यू बॉर्न डेमोक्रेसी टू रिटेन इट्स फॉर्म बट गिव प्लेस टू डिक्टेटरशिप। इन फैक्ट इफ देर इज ए लैंडस्लाइड द डेंजर ऑफ द सेकेंड पॉसिबिलिटी ऑफ बिकमिंग एक्चुअलिटी इज मच ग्रेटर। When they get absolute majority, when they get thumping majority, it is every possibility they may lead towards the dictatorship. Sir, with last words, I want to finish, and I want to quote the same thing, what Dr. Ambedkar said in 1949. The second thing we must do is to observe the caution which John Stuart Mill has given to all who are interested in the maintenance of democracy, namely not to lay their liberties at the feet of even a great man or to trust him with powers which enable him to subvert their institution. मैं आपको ही बोल रहा हूं भाई। प्लीज 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 सर एंड अप एंड अप। दिस कॉशन इज फार मोर नेसेसरी इन द केस ऑफ इंडिया देन इन द केस ऑफ अदर कंट्री। फॉर इन इंडिया भक्ति आर व्हाट मे बी कॉल्ड द पाथ ऑफ द डिवोशन आर हीरो वर्शिप प्लेज ए पार्ट इन दिस पॉलिटिक्स अनइक्वल्ड इन मैग्नीट्यूड बाय द पार्ट इट प्लेज इन द पॉलिटिक्स ऑफ एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। क्योंकि आपके लिए बोलना इसलिए जरूरी है, आप हमेशा हीरो वर्शिप करते हैं, एक ही का नाम बोलते हैं, अपने पार्टी का नाम भी नहीं बोलते आपके, तो इसीलिए भक्ति सर भक्ति इन रिलीजन मे बी ए रोड टू द सॉल्वेशन ऑफ द सोल। भक्ति इन रिलीजन मे बी ए रोड टू द सॉल्वेशन ऑफ द सोल बट इन पॉलिटिक्स भक्ति आर हीरो वर्शिप is a sure road to degradation and to eventual dictatorship. If things goes like this, there will be a dictatorship. Therefore I request our minister to control everybody according to law, and you run the government according to the constitution. I hope at least now you will take this suggestion very seriously. With these words, I finish my भारत के अंदर अनेक उन्नत नस्ल की गायें हैं जिनको चुरा करके ले जाकर के विदेश वाले क्रॉस करा करके होलेस्टीन फ्रीजियन ये कौन कौन गाय बना करके फिर हम वापस लाते हैं।